नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी वायर। आज हम चेक करेंगे कि CKYC स्टेटस कैसे पता करें कि आपका CKYC हो चुका है या नहीं, और CKYC नंबर क्या है। आज बिल्कुल प्योरली आपको CKYC नंबर आइडेंटिफाई करना सिखाया जाएगा इस वीडियो में। और यदि आपके पास म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड में कोई करेक्शन कराई थी, वो करेक्शन इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं, उसका स्टेटस चेक करेंगे कि KYC करेक्शन हुआ है या नहीं, एप्लीकेशन का क्या स्टेटस रहा, रिजेक्ट हुई या फिर एक्सेप्ट हुई। और कुछ लोगों की ये समस्या रहती है कि नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू तो कर दी, लेकिन अभी तक जो है पैसा म्यूचुअल फंड में दिखाई नहीं दे रहा, इन्वेस्टेड वैल्यू नज़र नहीं आ रही, तो उसका भी स्टेटस चेक करना सीख जाओगे कि म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू आपका KYC कंप्लीट हुआ है या नहीं, उसका स्टेटस भी आज देख पाओगे। आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर पर जा करके सर्च करना है CVLKRA। यहाँ पर CVL का मतलब है CDSL वेंचर लिमिटेड। यह वो कंपनी है जहाँ पर म्यूचुअल फंड के डाटा रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। इसकी वेबसाइट है CVLKRA.com। इसे ओपन कर लेना है और साथ के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। इस वेबसाइट के होम पेज पर यहाँ देखिए KYC इंक्वायरी पे क्लिक किया और यहाँ पर डालना है पैन नंबर। अगर पैन नंबर ना हो तो फिर एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी चुननी होगी, लेकिन आप पैन नंबर ही डालिए, आसान सर्च हो जाती है। नीचे आई एम ह्यूमन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक छोटा सा जो है वेरिफिकेशन है कि आप कहीं रोबोट तो नहीं है। मेरे सामने ये जो वेरिफिकेशन आया, इसमें कहा गया कि आउल के हेड के सेंटर पे क्लिक कीजिए, तो ये लीजिए मैं क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, मैंने सबमिट किया, तो अब जो है इस पैन कार्ड से संबंधित टेबल मेरे सामने नज़र आ गई है। इसमें देखिए KYC स्टेटस जो सबसे पहले वाला है CVLKRA के सामने वाला, ये पूरी रो भरी हुई है। KYC स्टेटस की डेट, कितनी तारीख को हुआ था, और मॉडिफाई स्टेटस भी लिखा हुआ है कि KYC रिजेक्टेड, मॉडिफाई KYC, और कारण रीज़न बताया है डॉक्यूमेंट नॉट रिसीव्ड विद इन डिफाइंड डेट। तो डॉक्यूमेंट इस व्यक्ति के टाइमली सबमिट नहीं हो पाए थे, इसलिए इसका मॉडिफिकेशन रिजेक्ट हो गया। लेकिन हम देख सकते हैं शुरुआत में जो ये 2021 की डेट लिखी हुई थी, इसका KYC तो हुआ है, लेकिन 2023 में इसने जो कोई मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन डाली थी, वो नई एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। KYC मोड भी नज़र आता है कि डिजी लॉकर से जो इसका KYC करने की कोशिश की गई थी। तो ये तरीका था, आपको ध्यान रखना है, KYC इंक्वायरी पे जाना है। अब देखते हैं KYC नंबर या KYC आइडेंटिफायर कैसे पता करें। इसके लिए गूगल पे जाके लिखना है KARVY KRA। ये वेबसाइट है KARVY KRA.com। स्क्रीन थोड़ी सी कट गई है तो मैनेज कर लेना। इस वेबसाइट पे नीचे आके KYC इंक्वायरी क्लिक हेयर, यहाँ क्लिक करना है। अगले पेज पे आपको लिखना है पैन नंबर और नीचे आ रहे कैप्चा को सर्च नाउ पे क्लिक करना, और सर्च करते ही आपके सामने आ गई ये टेबल, और इस टेबल में आपकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि CVL के थ्रू आपका KYC कब हुआ था और मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन कब लगी थी। और लेकिन यहाँ पर देखिए कि CKYC ID, ये आप ढूंढ रहे हैं कि आपका अगर CKYC हुआ है तो CKYC ID यहाँ पर ज़रूर लिखी होती। अब ये जो खाता जिसका हम देख रहे हैं, उस पैन कार्ड होल्डर का म्यूचुअल फंड, DMAT सब कुछ है, लेकिन 2020 के साल का है। और अब एक नए इन्वेस्टर के पैन कार्ड से सर्च किया तो देखिए इस बार CKYC ID लिखी हुई आई है,
तो यहीं से इसी पेज से आप अपना CKYC ID जान सकते हैं। जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनके म्यूचुअल फंड और डीमैट खुले हुए हैं, उनको कोई समस्या नहीं आने वाली क्योंकि उनको CKYC की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके KYC हो गए थे। यहाँ देखो नीचे नीली इंक में लिखा हुआ भी है कि एक बार KYC हो गया वो पर्याप्त है सिक्योरिटी मार्केट में। एक बार KYC आपने सेबी रजिस्टर इंटरमीडिएटरी यानी किसी ब्रोकर म्यूचुअल फंड से करवा लिया तो आपको अगली बार सेम प्रोसेस से जाने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा KYC कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो CKYC चला है वो थोड़ा सा एडवांस चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको CKYC कराना पड़ेगा अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, क्योंकि जो CKYC आपने कराया था पुराने समय में वो डेटा मिल चुका है उस एजेंसी को जो बाकी इंटरमीडिएटरी को भी डेटा भेज देगी। जब आप किसी नए म्यूचुअल फंड में या नया डीमैट अकाउंट खुलवाओगे तो आपका डेटा वहीं से फेच कर लिया जाएगा, तो CKYC के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। और यदि आपको फ़ोनपे पेटीएम जैसी ऐप के ऊपर टू व्हीलर इंश्योरेंस खरीदने में समस्या आ रही है, वहाँ पर CKYC ID मांगा जा रहा है, तो वीडियो में कमेंट करना, आपकी हेल्प करना हमारा काम है।